हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैकबोन अमित पे स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इससे जितनी भी आने वाली वीडियो रहेंगी आपको सबसे पहले आपके चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स हम एक बार फिर से एक नया लेटेस्ट वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि गाय घाट का है। फ्रेंड्स यही एक ऐसा घाट है जहाँ पर आप सभी को काफ़ी साफ़ सुथरा प्लेस देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे कई सारी मूर्तियाँ भी देखने को मिल जाएंगी। फ्रेंड्स बीते दिनों वहाँ जो गंगा आरती हो रही थी यहाँ के, फ्रेंड्स ये सब खोल कर हटा दिए गए हैं। इसको रंग रोगन करने के बाद ही यहाँ पे झंडे वगैरह डाले जाएंगे, यानी कि गाड़े जाएंगे, जो कि आपको जल्द ही फिर से देखने को मिलेंगे। अभी सब कुछ हटा दिया गया है, सामने देख सकते हैं भैरव बाबा का यह मूर्ति बनाया गया है जो कि आपको देव दीपावली में लगा हुआ दिखाई देगा, जो कि आप सभी ने, अगर आए होंगे आप सभी तो आप सभी ने ज़रूर देखा होगा। यह मूर्ति काफ़ी ब्यूटीफुल है, यानी कि देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। ये फ्रेंड जो देख सकते हैं आप सभी, भगवान शंकर का यह शिवलिंग जो मंदिर टाइप बना है, यहीं पर उनके साइड में भैरव जी का मूर्ति रखा जाता है जो कि देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। और भी यहाँ पे कई प्रकार के कुंड और दिए जलाए जाते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग वगैरह बनाई जाती है, साथ ही साथ दिए जलाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे रंगोली बनाई जाती है जो कि बेहद ही खूबसूरत होती है। फ्रेंड्स इस घाट का पूरा बागडोर एक समिति के हाथों में है, जैसा कि लगभग हर घाटों को दिया गया है। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ से भी यहाँ पे कुछ सहायता की जाती है जो कि आप सभी को पता ही होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे बीते दिनों काफ़ी कुछ होता था लेकिन अब हट सा गया है। ये जो आप टेम्पल देख रहे हैं छोटा सा, ये माता गंगा का है जो कि यहीं पर जो पाइपें खोल कर रख दी गई हैं वो यहीं पर हुआ करती थी। आप सभी ने मेरी पिछली वीडियो में ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है फ्रेंड तो जाकर एक बार ज़रूर देख लें। फ्रेंड्स यहाँ पर वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता था और काफ़ी अच्छा महसूस भी होता था, लगता था कि यही ऐसा घाट है कि इसी घाट से शुरुआत हो सकती है क्योटो की, यानी कि बनास जब क्योटो के रूप में संपन्न हो जाएगा, पूरी तरीके से बन जाएगा तो यहीं से शुरुआत होगी। सामने देख सकते हैं सीता और राम की बेहद खूबसूरत मूर्ति है जो कि सादे में लगाई गई है। एक ब्रेंच है जो कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगाई गई है सभी लोगों को बैठने के लिए, तो उस चेयर पर इस मूर्ति को रखा गया है और वहाँ पे ठहराया गया है। ये देख सकते हैं गाय घाट, यहाँ पर भी किसानों द्वारा अलग अलग आकृति बनाई जाती है देव दीपावली के दिन। और भी यहाँ पे फ्रेंड्स कई तरह के आपको मंदिर देखने को मिल जाएंगे। ये सीढ़ी है जो कि आप सभी को बनास के रोड पर ले जाएगी। देख सकते हैं कितना खूबसूरत देखने में लग रहा है दोस्तों। फ्रेंड्स ये पिछले कई दिनों से मूर्ति नहीं थी लेकिन इसे बाद में लगाया गया है, यानी कि जब ये घाट बना था नंदी यहाँ पर थे तब भी एक तरह से इस मूर्ति को नहीं लगाया गया था, तो कुछ नए लोगों ने, घाट समिति के लोगों ने इस मूर्ति को यहाँ पे स्थापित किया है जो कि काफ़ी नया है। यानी आपको ऐसा मूर्ति किसी भी घाट पर नहीं देखने को मिलेगा, चाहे पूरे बनास में ना क्यों ना घूम लें, पूरे बनास के घाटों में आप सभी को ऐसा मूर्ति देखने को नहीं मिलेगा फ्रेंड्स जैसा कि गाय घाट पर है। ये काशी से क्योटो का प्रतीक एक तरह से माना जा रहा है क्योंकि इस पर काफ़ी नए नए वर्क हो रहे हैं। ये फ्रेंड्स सरकार की तरफ से नहीं किए जा रहे हैं, ये यहाँ के समिति के लोगों द्वारा किए जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कई शिवलिंग स्थापित किए गए हैं जो बेहद ही छोटे छोटे हैं और एक बड़ा भी है जो कि भगवान शंकर के काफ़ी करीब माने जाते हैं, उन्हीं का रूप है एक शिवलिंग। देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से यहाँ पे छोटे से लेकर
बड़े तक शिवलिंग की स्थापना की गई है। लगभग 12-13 शिवलिंग यहाँ पे स्थापित की गए हैं। ये देख सकते हैं बड़ा सा नंदी बनाया गया है, जो कि देव दीपावली के दिन इनको काफ़ी सजा दिया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे लोग आते हैं। सबसे सुंदर नज़ारा आप सभी को यहीं का देखने को मिलेगा। इसके बाद आप सभी राजघाट भी अगर गए होंगे देव दीपावली के दिन, तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। फ्रेंड्स देखिए किस तरीके से नंदी बैठा हुआ है, और यहाँ पे रंग रोगन बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। ये देख सकते हैं नंदी के ऊपर नाग, जो कि शिवलिंग की तरह दिख रहा है, जो होता है एक गाय के ऊपर, तो उस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं शिवलिंग का भी रोल एक तरह से हो जा रहा है, साथ ही साथ नंदी भी है, तो काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स। ऐसा नंदी भी कहीं नहीं देखने को मिलेगा, जो कि भगवान शंकर के प्रिय होते हैं। और भी कई तरह की बातें हैं। ऐसा माना जाता है कि फ्रेंड्स शंकर भगवान के दर्शन करने जाएं तो नंदी के कान में कुछ बोलने से वो भी शंकर जी तक पहुंच जाता है, तो ऐसी कई तरह की मान्यताएं हैं। अगर आपको लगता है सही बात है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, इससे जितनी भी आने वाली वीडियो रहेंगे आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं आगे बढ़ सकूं, और लाइक जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सर महादेव।